यमुना नदी की सफाई पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ऐसी ठनी कि बीजेपी सांसद परवेश वर्मा बदसलूकी के आरोपों में घिर गए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें यमुना के किनारे बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा से परवेश वर्मा एक अफसर से उलझते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। झाग पर केमिकल के छिड़काव करने वाले अफसरों को बीजेपी के सांसद ने डांटा, जुबान बेकाबू हो गई। हालांकि बाद में परवेश वर्मा छठ का सवाल उठाकर खुद को इस बवाल से अलग करते दिखे। ये तुमको आठ साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है, ये तेरे को आठ साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। क्या बात है सर, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो, तुम आठ साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए। आपको कैसा लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किसमें? ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड है। ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड, ये यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। इसको एनएमसी पर डाल दूं? ये केमिकल इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? ये लीजिए एक मिनट। ये तुमको आठ साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है? ये लीजिए ये तेरे को आठ साल में ध्यान आ रहा है, अप्रूव्ड है। क्या बात है सर, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो, तुम आठ साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए। तो ये तस्वीरें आपने देखी, परवेश वर्मा का जो वीडियो सामने आया है इस पर अब परवेश वर्मा सफाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने ये वीडियो ट्वीट किया। जब इस वीडियो पर विवाद बढ़ा तो परवेश वर्मा ने अपनी सफाई दी। सुनिए अपनी सफाई में वो क्या कह रहे हैं। वो एक सरकार का अधिकारी है, दिल्ली की जनता से उसको सैलरी मिलती है। अरविंद केजरीवाल जी अपने घर से सैलरी नहीं देते, दिल्ली की जनता सैलरी देती है। तो वो अधिकारी मेरे को भी उतना ही जवाबदेही है जितना अरविंद केजरीवाल को है। जब मैंने कहा कि आप ही छिड़काव करना बंद कर दीजिए तो उन्होंने नहीं किया। मैंने कहा केमिकल को मत डालिए तो उन्होंने डालते रहे। मैंने कहा मुझे वो ऑर्डर दिखाइए जिससे ये अपना साबित होगा कि ये केमिकल हानिकारक नहीं है। उन्होंने मुझे कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, कोई कागज नहीं दिखाया। उसके बाद में अगर अधिकारी मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं कैसे उसको पानी के अंदर में जहर डालते रहने दूं। कल भी बीजेपी सांसद परवेश वर्मा समेत कल बीजेपी के कई नेता कालिंदी कुंज पहुंचे थे। वहां उन्होंने मीडिया को यमुना में जो झाग बह रहा है वो दिखाकर पूछा था कि क्या अरविंद केजरीवाल मैली यमुना में डुबकी लगा सकते हैं। बीजेपी जहां छठ पूजा से पहले मैली यमुना पर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार को घेर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि छठ के लिए उसने काफी अच्छे इंतजाम किए हैं। गिरावाजे परेला कवज से ओ पे सुगा मेरे राय आदित्य बाबा भैली साय छठ मैया भाई। नहाए खाए से छठ महापर्व की शुरुआत होते ही सियासत की स्पीड भी बढ़ गई। दिल्ली सरकार के मंत्री और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक यमुना घाटों का मुआयना करने पहुंचे। करीब 24 घंटे पहले बीजेपी के नेताओं ने भी छठ घाट का मुआयना किया था। नाव की मदद से यमुना की धारा भी टटोलाए थे। बड़ी खुशी की बात है कि दो साल के बाद एक बार फिर दोबारा माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अलग अलग जगह 1100 साइट्स पे दिल्ली सरकार द्वारा बहुत बढ़िया इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी दिल्ली वासियों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एज अ रेवेन्यू मिनिस्टर आई विल इंश्योर कि जो भी अरविंद केजरीवाल जी के जो आदेश है उनकी बहुत अच्छे तरीके से पालना हो। उनका हालात देखिए, अरविंद केजरीवाल जी करोड़ रुपया उनके मंत्री खा गए। यमुना आज रो रो कर पूछ रही है अरविंद केजरीवाल, तुम कहते थे मैं दिल्ली का बेटा हूँ, कहाँ है मेरा बेटा? इतना जहरीला पानी बना दिया। आप ये देखिए, आप अरविंद केजरीवाल जी ने ही दिल्ली को गंदगी दी है, गंदी राजनीति दी है, धर्म की राजनीति दी है। और यहाँ पर आप देखो किस तरह से गंदगी है। इसको बचाने के लिए, इस बात का मुद्दे को दबाने के लिए जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। कालिंदी कुंज के पास बह रही यमुना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ यमुना में झाग दिखाई दे रहा है। घाट पर सफेद झाग की मोटी चादर बिछी है। यमुना घाट पर पानी भी बह रहा है और छठ में सियासत भी बहती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर
यमुना घाट पर छठ पूजा के दौरान झाग बहना कोई आम बात नहीं है। हर साल इस तरह का नजारा दिल्ली एनसीआर के रहवासियों को देखने को मिलता है और फिर भी व्रतिया और यहाँ पर जितने भी लोग छठ पूजा मनाने के लिए आते हैं वो मजबूर हो जाते हैं इसी झाग में अपनी पूजा करने के लिए, इसी झाग में सूर्य को अर्घ देने के लिए, इसी झाग में नहाए खाए की जो रिचुअल्स है उसे पूरा करने के लिए और इसी तरह से मजबूरी में ये लोग अपना पूरा पर्व मनाते हैं। इसी झाग को लेकर कल बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल सरकार को घेरा था। इसका जवाब आज आम आदमी पार्टी ने दिया। हकीकत ये है, आपने 8 साल से बोल रहे मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा, यमुना साफ करूंगा। हमारे दिल्ली में कोई पवित्र नदी भी बहती है। दिल्ली के लोग शायद इस बात को नहीं जानते हैं। दिल्ली के लोग सोचते हैं कि ये नाला है, गंदा नाला है। आसपास के सारे इंडस्ट्रियल एरिया का सारा वेस्ट यहाँ पर आता है। तो अरविंद केजरीवाल ने कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया, ये हकीकत है। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। कालिंदी कुंज में जहां ये झाग आपने देखा वहां पे कोई छठ पूजा का आयोजन नहीं होता। वो झाग भी इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश से और हरियाणा से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आते हैं वहां आकर गिरता है और वो पार्ट भी यूपी इरिगेशन का है। छठ पूजा समिति भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि कालिंदी कुंज में छठ मनाने पर पाबंदी है। अब देखिए क्या नाम कृत्रिम घाट बना के दे रहे हैं लोग, मगर क्या कृत्रिम घाट पक्के इतने जल्दी बन पाएंगे? नहीं बनेंगे। 1150 घाट कहा जा रहा है, 150 कॉलोनियों से लेके, जो कि मैं कॉलोनियों की बात नहीं करूंगा, मैं यमुना की बात करता हूं, वजीराबाद से लेकर यहां किसी टाइम में 23 घाट हुए करते थे और लोग बड़ी खुशी से जो है यहां पूजा पाठ करते थे। मगर अब स्थिति यह है कि क्या नाम है पाबंदी लगा दी गई है यहां पर कि क्या नाम है छठ पूजा यहां पर नहीं मनाने दिया जाएगा। वहीं यमुना में तैरते झाग को लेकर केमिकल वाला विवाद भी पैदा हो गया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी केमिकल के इस्तेमाल से झाग हटाने पर भड़क गए। 50,000 लीटर केमिकल डाल करके झाग को समाप्त करने में लगे, छुपाने में लगे हैं और आपको मैं वो केमिकल दिखाता हूँ। उस पे अब फ्यूमिकेशन कराया जा रहा है, उसमें लोग सवाल कर रहे हैं कि ये जहरीला फ्यूमिकेशन है। मैं कहता नमामि गंगे में यही इसको बताया गया है कि ये केमिकल्स डाला जाएगा और कहा गया ये केमिकल्स जहरीला नहीं है और पानी को खराब नहीं करता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो फ्यूमिकेशन खराब है तो केंद्र सरकार को बंद करा देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इजाद नहीं किया ना इस फ्यूमिकेशन का। तो मुझे लगता है दोनों बातें हैं, बीजेपी रूमर और प्रोपेगेंडा में इस तरह से व्यस्त हो गई है कि आज छठ पूजा का आयोजन लोग ठीक से कर पाए उसके साथ भी खिलवाड़ करके तमाम तरह की कंफ्यूजन फैला रहा है। यमुना और यमुना के घाटों पर गंदगी को लेकर हो रही सियासत के बीच छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार कह रही है कि 1100 घाटों पर पूजा के इंतजाम किए गए हैं। इनमें दिल्ली के डीडीए पार्क, तालाब के अलावा यमुना किनारे बनाए गए कृत्रिम घाट शामिल हैं। दिल्ली से तेज श्री के साथ आज तक ब्यूरो।